हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। एक बहुत आसान सा निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ। इसको आप बेबीज़ के फ्रॉक वगैरह पे डाल सकते हैं, अपने कार्डिगन पर भी आप इसको डाल सकते हैं। सिर्फ चार लाइंस का है। इसके लिए आपको चार चार के मल्टीपल फंदे डालने हैं। ये मैंने इसमें डिज़ाइनर वाले फंदे डाले हैं, आप भी डाल सकते हैं इसी तरीके से। और चार चार के मल्टीपल लास्ट में आपको एक और फंदा रखना है। देखिए, चार के मल्टीपल आपको, जैसे ये चार फंदे हैं, इसी तरीके से चार 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 जब आप गिनेंगे तो लास्ट में आपके पास एक फंदा एक्स्ट्रा होना चाहिए। बाकी अगर जैसे आप स्वेटर बना रहे हैं उसमें आपके पास एक्स्ट्रा और भी फंदे हैं तो आप उनको साइड पे एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे आपके पास तीन फंदे लास्ट में बच गए तो आप दो इस साइड पर रख सकते हैं और एक इस साइड पर। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, पहली लाइन सीधी साइड में ये एक फंदा उल्टा बनाएंगे। मैंने कोई एक्स्ट्रा फंदा नहीं डाला है, सिर्फ एक फंदा डिज़ाइन का एक्स्ट्रा है। बस एक फंदा उल्टा बनाएंगे और तीन फंदे सीधे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा और तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, फिर एक फंदा उल्टा तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, एक उल्टा तीन सीधे, एक उल्टा तीन सीधे। इस तरीके से हम इस पूरी लाइन को बनाते हुए कंप्लीट करेंगे। लास्ट में एक फंदा आपका जो एक्स्ट्रा है वो उल्टा आ जाएगा। अब उल्टी लाइन सेकंड रो देखिए, ध्यान से देखिएगा, सेकंड रो उल्टी साइड में जो उल्टा था उधर से वो यहाँ से सीधा हो जाएगा। जो फंदा उधर से उल्टा था वो उसको हम यहाँ से सीधा बनाएंगे और तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, एक दो तीन, फिर एक सीधा तीन उल्टे, एक दो तीन, फिर एक सीधा तीन उल्टे, एक सीधा तीन उल्टे। इसी तरीके से हम इसको बनाते हुए जाएंगे, तीन उल्टे फिर एक सीधा, फिर तीन उल्टे, फिर एक सीधा, लास्ट में तीन उल्टे और लास्ट का फंदा आपका सीधा आ जाएगा। आप देखिए थर्ड रो, देखिए थर्ड रो थोड़ी इम्पॉर्टेंट है। सीधी साइड में थर्ड रो सीधी साइड, एक फंदा ऐसे उल्टा बनाएंगे, जो उल्टा ही है वो उल्टा ही आएगा ऐसे। आप धागा ऐसे घुमाएंगे और तीन फंदों को उल्टा बुनते हुए साथ में तीन का एक करेंगे ऐसे, फिर धागा घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे। तो देखिए अब आगे इसी को हम रिपीट करेंगे, फिर से ये उल्टा बनाया, इसके बाद धागा घुमाया, तीन जो सीधे फंदे हैं उनको उल्टा बुनते हुए इस तरीके से उल्टा बुनते, हम उल्टा बुनते हुए तीन का एक करेंगे, फिर धागा घुमा के फंदा बढ़ा देंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे जो उल्टा ही है। तो इसी तरीके से पैटर्न आगे आगे चलता जाएगा। फिर धागा घुमाएंगे और तीन फंदों का एक करेंगे उल्टा बुनते हुए, फिर धागा घुमाएंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, तीन फंदों का एक करेंगे, फिर धागा घुमा के एक फंदा उल्टा बना देंगे, फिर धागा घुमा के तीन का एक करेंगे। जो तीन सीधे फंदे हमने बनाए हैं उनको हमने तीन फंदों का एक करना है। फिर धागा घुमा के एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमा के तीन फंदों को तीन का एक करेंगे, धागा घुमा के लास्ट का फंदा हम उल्टा बना देंगे। तो ये आपके जितने फंदे थे उतने ही रहेंगे धागा घुमा के। और चौथी लाइन जो है उल्टी साइड में, वो आपने सेकंड रो की तरह बनानी है। हर लाइन जो है आपने उल्टी साइड पर एक जैसी ही बनानी है। तो जो सीधा है वो सीधा बनेगा, एक फंदा सीधा तीन उल्टे, देखिए जाली वाला भी उल्टा, ये भी उल्टा और नेक्स्ट फंदा भी उल्टा, फिर एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, फिर एक फंदा सीधा तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन।
ये देखिए, जो उधर से पहले से ही हमने ये फंदा इधर से सीधा बना रखा है, इसको सीधा ही करेंगे, और जो एक जाली है वो उल्टी, फिर बीच का फंदा उल्टा, फिर नेक्स्ट जाली भी उल्टी, तीन फंदे फिर से उल्टे आ जाएंगे, फिर एक सीधा, तीन उल्टे। इसी तरीके से हम ये पूरी रो को कंप्लीट कर लेंगे, लास्ट का फंदा सीधा। ये देखिए, इस तरीके का ये पैटर्न बन के आएगा। अब फिर से एक से चार तक हम सारी रो को रिपीट करेंगे। तो पहली लाइन हमने बनाई थी, एक फंदा पहला उल्टा और तीन फंदे सीधे, फिर एक उल्टा तीन सीधे। इस तरीके से हम ये फर्स्ट रो फिर से रिपीट करेंगे, एक उल्टा तीन सीधे, एक दो तीन, फिर एक उल्टा तीन सीधे। तो मैं फिर से ये लाइन रिपीट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, मैं आपको थर्ड रो बना के दिखाऊंगी। सेकंड रो तो जैसे दिख रहा होगा बैक साइड से वैसे ही बनाना है, तो मैं आपको थर्ड रो दिखाऊंगी जिसमें हम जाली डाल के तीन का एक करेंगे। अब देखिए, थर्ड रो में एक बार आपको फिर से दिखा देती हूँ। तो एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे और धागा ऐसे घुमाएंगे, देखिए ऐसे, और इन तीनों सीधे फंदों को उल्टा बुनते हुए तीन का एक कर देंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, तीन फंदों को हम तीन का एक कर देंगे उल्टा बुनते हुए, जो हमने यहाँ पे ये सीधे फंदे बनाए हैं सीधी साइड पे उनको करेंगे, फिर धागा घुमा के एक फंदा उल्टा, फिर धागा घुमा के तीन का एक, इस तरीके से। फिर धागा घुमा के एक उल्टा, फिर धागा घुमा के तीन का एक। इसी तरीके से आपने थर्ड रो लास्ट तक रिपीट करनी है, और चार ही लाइंस आप बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। उल्टी साइड पे आपको पता है जो फंदा जैसा दिख रहा होगा, आपने उसको वैसे ही बनाते हुए जाना है, तीन उल्टे एक सीधा, तीन उल्टे एक सीधा, ऐसे बनाना है आपने उल्टी साइड पर। ये देखिए, लास्ट तक हमने बना दिया, तीन फंदों का एक करेंगे और धागा घुमाते हुए लास्ट का फंदा हम उल्टा बना देंगे, क्योंकि वो हमारा डिज़ाइन का फंदा है। ये देखिए, इस तरीके का ये पैटर्न बन के आता है। सबसे इजी पैटर्न ये है जाली वाला, क्योंकि जाली वाले पैटर्न जो होते हैं थोड़ा सा मुश्किल लगते हैं बनाने में, लेकिन ये बहुत इजीली बन जाता है। देखिए कितना खूबसूरत पैटर्न ये बन के आ रहा है। तो फिर आप बनाइए, और वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।